सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी। मैं हाँ तरनजीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा सारयां दा निग्गा स्वागत करदे हां। आओ सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीआं मुख खबरां ते। मुख्यमंत्री बादल ने हलका लंबी विच कीता चोण प्रचार, विकास दे नाम ते मंगिया लोकां तों समर्थन। सुखबीर सिंह बादल दा वीआईपी कल्चर नूं लै के कांग्रेस ते वार, कहा कांग्रेस दे आगू खुद करदे हन वीआईपी सहूलतां दी वरतों। नशा वेचण वालियां नूं फड़ के चार हफ्तियां विच करांगे नशे दा सफाया, कहा मनप्रीत सिंह बादल ने। होशियारपुर विच भ्रूण हत्या संबंधी करवाए गए सैमीनार। खाने नूं लै के सवाल चुकण वाले बीएसएफ दे जवान ते चार वार हो चुकी है कार्रवाई। ते हुण खबरां विस्थार नाल। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने विधानसभा हलका लंबी दे वक्त-वक्त पिंडां दा दौरा करके चोण प्रचार कीता। इस समय उन्होंने लंबी विखे एक जनसभा नूं संबोधन भी कीता। अपने संबोधन दौरान मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि अकाली दल विकास दे नाम ते चोण लड़ रहा है ते लोकां तों समर्थन मंगण दा आधार भी विकास कारज हन। इस समय सरदार प्रकाश सिंह बादल पाणियां दे मुद्दे ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी नूं घेरदे नजर आए। उन्होंने कहा कि अकाली दल दा किसी पार्टी नाल कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी कह रही है कि कांग्रेस और अकाली दल लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। देख भैया, आप तो हिस्ट्री जानते हैं, जो प्रेस में उसको जानना चाहिए कि शुरू से ही लेकर हमारा तो कांग्रेस के साथ लड़ाई है। लड़ाई भी इस करके नहीं क्योंकि हमारा कोई जाति है, लड़ाई इस करके कि उन्होंने पंजाब का नुकसान किया है, धार्मिक भी किया है, सियासी भी किया है, आर्थिक भी किया है, तो हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लंबी वाले उम्मीदवार को आप किस तरह देख रहे हो बाल साहब? जो आप, मैं कुछ नहीं कहना चाहिए मेरे स, मैं सारा किसी उम्मीदवार नूं मैं सारी जिंदगी कदे क्रिटिसाइज नहीं। इकबाल साहब, नवा जेड़ा नवा यूथ है, नवे वोटर बने हैं, उन्हां वास्ते कुछ की मैनिफेस्टो ले रहे हो यूथ वास्ते? सारा कुछ साडा मैनिफेस्टो आ जाऊगा सारा। हुण मैं जे कहां तां चंगा नहीं लगदा। सर कब तक रिलीज होगा मैनिफेस्टो आपका? जल्दी आ जाएगा। चंडीगढ़ विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सुखबीर बादल ने कांग्रेस दे चोण मनोरथ पत्र नूं झूठ दा पुलंदा करार दिता। उन्होंने कहा कि मनोरथ पत्र विच विकास की गल ना करना अकाली दल भाजपा गठजोड़ वालों करवाए सर्वपक्षी विकास की गवाही पड़दा है। उन्होंने कहा कि मनोरथ पत्र विच वीआईपी कल्चर नूं खत्म करने की गल की गई है, पर कांग्रेस के विधायक खुद वीआईपी सहूलत लै रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुताबिक मनप्रीत सिंह बादल ते उसके परिवार को भी तो ज्यादा सुरक्षा मुलाजम हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान नूं जलालाबाद के लोगों ने नकार दिता है, इसलिए भगवंत मान लोगों नूं अकाली आगुआं ते हमले करने लिए उकसा रहा है। इस मौके करतारपुर तो यूथ कांग्रेसी आगू राजेश कुमार के अकाली दल में शामिल होने ते सरदार सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने स्वागत किया। कल कांग्रेस ने अपना एक मैनीफेस्टो कढ़िया, जे तुसी मैनीफेस्टो पढ़ो सब तो पहले वो मैनीफेस्टो ही क्लीयर करता है कि किन्ना वधिया काम 10 साल श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार ने किया। ये उन्होंने मैनीफेस्टो विच जिहड़ा पहली बार किसी पार्टी का मैनीफेस्टो निकलिया है, किसे उन्होंने पंजाब दा जिहड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हों बनाउन वास्ते एक चीज़ नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया कि 10 साल श्रोमणी अकाली दल बादल बीजेपी सरकार ने सारिया चीज़ा पूरिया कर दतियां। 6 महीनों किसी ने उन्होंने बिलीव नहीं किया, तो हुण सरदार मनमोहन सिंह नूं लिआउणा पिया उहदी क्रेडिट दिखाउण वास्ते कि उहदे तो रिलीज़ करिए। शायद पंजाब दे लोकी सोचणगे कि सरदार मनमोहन सिंह दे नां ते चलो कैप्टन साहब ने तो सारा झूठ बोलदे है, तो असी कैप्ट मनमोहन सिंह की शक्ल दिखाओ, शायद लोकी गल नहीं, शायद सर मनमोहन सिंह दे नां ते शायद उहनां दी रिलायबिलिटी आ जाए। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
कांग्रेस के चोन मनोरथ पत्र विच चार हफ्तों विच नशा खत्म करने की कही गई गल का जवाब देंदियां उन्हां कहा कि असी नशा करन वालियां नूं नहीं बल्कि नशा वेचन वालियां नूं फड़ांगे। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ते हुए हमले के संबंध विच बोलदियां मनप्रीत बादल ने कहा कि इस विच कोई हैरानी वाली गल नहीं है। अज कांग्रेस पार्टी दियां हाजरियां और बेनतियां लेके अज बठिंडा दे बाजार दे विच तुर फिर के तमाम कांग्रेस पार्टी व्यापार मंडल और सारे भरा इकट्ठे होके और कांग्रेस के हक के विच असी अपना प्रचार करते हुए जा रहे हैं और जिस गर्मजोशी नाल बठिंडा दे व्यापार मंडल ने और सारे व्यापारियों ने कांग्रेस का साथ दिता है तो मैं इस इलेक्शन नू बड़ी आस की निगाह ना देख रहा। देखो सुखबीर बादल ते हमला होया मैनू इस गल का अफसोस है पर मैनू हैरानी नहीं है, मतलब आई एम सॉरी कि उदे होया बट आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि जिस किस्म का सुखबीर बादल का लहजा सी रवैये सी पिछले 10 साल जिहड़ा उन्होंने राज किया मैनू लगता है कि लोग उन्होंने तो इन्ने एक तंग आ चुके हैं कि मैनू हैरानी नहीं हुई कि लोग उन्होंने हमले करते हैं। वैसे भी सुखबीर बादल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नाल चलते हैं और मैनू लगता है कि आप बठिंडे के बाजार च बिना सिक्योरिटी तो 2 कदम भी नहीं चल सकते। असी बस पापा दे नाल आए हैं लोगों नू मिलन ते रिस्पोंस तो बहुत सोहना मिले सारी जगह जाने कहने असी थोड़े नाल हैं सो रिस्पोंस तो बहुत वधिया है। मेरा ब्रदर हैगा अर्जुन वो कितने होर प्रोग्राम कर रहा है, मेरी मदर हैगी है वह भी नरवाने पिंड प्रोग्राम कर रहे हैं तो सारे जने लगे हैं अड्ड अड्ड जगह च। होशियारपुर के बीएड अते एसजी कॉलेज विखे सेहत विभाग के सरस्वती देवी मेमोरियल सोसायटी वालों भ्रूण हत्या संबंधी सैमीनार करवाए गए। इन्हां सैमीनारां विच विद्यार्थियों के नाल नाल आम लोगों नूं भ्रूण हत्या ना करन संबंधी जागरूक किया गया। सैमीनार दौरान बुलारियां ने कहा कि भ्रूण हत्या विच केवल पुरश नूं ही दोषी ठहराउणा ठीक नहीं, महिलावां भी ये अपराध करन विच भूमिका निभाउंदियां हन। अज जिला होशियारपुर विखे PCPNDT एक्ट नू लागू करने वास्ते एक जनरल वर्कशॉप की गई जिहदे विच के 5 जिले के प्रॉपर्ट अथॉरिटीज़ सब डिवीजन ते डिस्ट्रिक्स ते नाल उन्हां दे SMOs ते साडे जिले के सारे ऑफिसर्स ने शिरमत की है ते इस तों अलावा कई स्कूलों के बच्चे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस के होर नुमाइंदे जिहड़े ने इन्हां ने शामिल हो के PCPNDT एक्ट बारे चानना पाया है। सो इहदा एक्ट का जिहड़ा मेन मुद्दा से यही सी कि फीमेल फिटीसाइड नू किवें रोकया जा सकता तो किवें जिहड़ी सैक्स रेशो है इंप्रूव की जा सकती है ताकि वध तों वध जिहड़े फीमेल बच्चे वह बचाए जा सकन। सो इस मौके पर आम जनता का काफ़ी सहयोग मिला है तो काफ़ी ये जागरूकता वाली जिहड़ी लहर सी ये इस तरह मतलब हुई है तो इस तरह की जागरूकता की लहर अगे तो भी जारी रहेगी। खाने नूं लै के सवाल खड़े करन वाले BSF दे जवान दा वीडियो सोशल मीडिया ते नशर होण तों बाद जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जांच विच खुलासा होया है कि फेसबुक ते पोस्ट करन वाले BSF दे जवान तेज बहादुर दा करियर दागदार रहा है, उस ते अनुशासनहीनता वरतन दे दोष तहत 4 वार कार्रवाई हो चुकी है। BSF दे DG DK उपाध्याय ने कहा कि वीडियो बनाने पिछे उसका कोई होर मकसद रहा होगा क्योंकि उस जगह तैनात किसी भी जवान ने अजी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मामले की चंगी तरह जांच की जा रही है, जेकर कोई दोषी पाया जाएगा तो बनती कार्रवाई की जाएगी। तेज बहादुर ने दोष लाया सी कि सरहद ते तैनात BSF के जवानों नूं बेहद घटिया खाना दिता जाता है जबकि सरकार वालों भेजे जाते राशन नूं सीनियर अधिकारियों वालों वेच दिता जाता है। सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। इतना भी बर्फ हो कितना भी बारिश हो तूफान हो यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है ना कोई मिनिस्टर सुनता है कोई भी सरकारें हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं।
हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जूरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। पटियाला शहरी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह ते उना दे समर्थकों वालों जागो कट के निवेकले ढंग नाल चोन प्रचार किया गया। इस मौके लोग भी निवेकले ढंग नाल किए जा रहे चोन प्रचार देख के हैरान हो रहे सन। आप उम्मीदवार ने कहा कि हुण लोग बदलाव चाहते हैं, तो जागो राही असी लोगों नूं जगाउण दी कोशिश कर रहे हां। अजे तक 70 साल के कोई डिवेलपमेंट नहीं, लोगों को जगा के दस रहे हैं पीने पानी नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिल रही, बच्चों के पढ़ने कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इस बारे लोगों को जागृत कर रहे हैं, इसे जागो कहते हैं, नवी किस्म की जागो है। पंजाब विधानसभा चोणां दे चलदे चोण कमिशन दी टीम 11 ते 12 जनवरी नूं पंजाब दा दौरा करेगी। इस दौरे दौरान जिलियां दे डीसी एसएसपी अते सियासी पार्टियां नाल चोण कमिशन वल्लों बैठकां कीतियां जाणगियां। दस दईए कि पंजाब विच 4 फरवरी नूं विधानसभा चोणां लई वोटिंग होणी है, जिस नूं निरपक्ष अते शांतमई तरीके नाल करवाउण लई चोण कमिशन दी टीम वल्लों इह बैठकां कीतियां जाणगियां। आम आदमी पार्टी पंजाब ने अपने जथेबंधक ढांचे का विस्तार करदिया मुलाजम विंग की स्थापना की है। इस मुलाजम विंग के कन्वीनर डॉक्टर भीमेंद्र सिंह होणगे, इसके जनरल सकत्तर हरदयाल सिंह थूही होणगे। डॉक्टर भीमेंद्र सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच अध्यापक हैं। हरदयाल सिंह थूही पंजाब के सभ्याचार बारे पुस्तकों के रचयिता हैं। आम आदमी पार्टी वालों डॉक्टर कुलदीप पुरी, सुहिंदर बीर, डॉक्टर के सी शर्मा और डॉक्टर रजिंद्रपाल बराड़ नूं मीत प्रधान बनाया गया है। इन्हों तों इलावा अवतारदीप सिंह, मदन वीरा, डॉक्टर अमरदर सेम, डॉक्टर मनदीप कौर ते डॉक्टर मुहम्मद हबीब नूं ज्वाइंट सैकटरी बनाया गया है। मरहूम मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की बेटी गुरकवल कौर ने दसिया है कि अजे उन्होंने किसी भी पार्टी में शामिल होने बारे कोई फैसला नहीं लिया है। अकाली दल समेत होना पार्टियां वालों उन्होंने संपर्क जरूर किया जा रहा है, पर गुरकवल का कहना है कि उन्होंने अजे कोई फैसला नहीं लिया है। अकाली दल में शामिल होने संबंधी मीडिया दी खबरों नूं उन्हें बेबुनियाद दसिया। खडूर साहिब दे पुलिस थाना वैरोवाल अधीन पैंदे पिंड रामपुर भूतविंड विच एक व्यक्ति वालों गोली मार के भरजाई दा कतल ते अपने पुत्र नूं जख्मी करन दा मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक दोषी हरभजन सिंह ने परिवारक झगड़े दे चलदियां अपनी राइफल नाल गोली मार के अपनी भरजाई नूं कतल कर दिता ते इसे समय बचा लई अगे आए अपने पुत्र ते गोली चला के उस नूं गंभीर फट्टड़ कर दिता। जख्मी नौजवान का अमृतसर विच इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली विच हुईयां 8वीं कौमी स्कूल खेडां विच इस बार पंजाब लई इक्को इक सोन तगमा जित्तण दा माण पटियाला जिले दी काजल ने हासिल कीता है। राजपुरा दे एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल दी विद्यार्थन काजल ने अंडर 19 वर्ग विच सोन तगमा जित के पंजाब दा नां रोशन कीता है। एक मेडिसन हैड ड्रग डैन ते मारे गए छापे दौरान अल्बर्टा पुलिस ने एक पिस्तौल ते कुछ नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। मैथफेटमाइन दे 5 शकी तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके तो स्प्रे मशीन, नशीले पदार्थ पैक करने का समान ते $820 नकद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों विच एक कैलगरी वासी शामिल है। अल्बर्टा लॉ इनफोर्समेंट रिस्पोंस टीम ने कहा है कि नशीले पदार्थ मैथफेटमाइन दे स्थानक व्यापार नूं रोकण दे मकसद तहत यह छापा मारिया गया सी। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों विरुद्ध नशीले पदार्थों की तस्करी नाल संबंधित वख-वख दोषों तहत मामला दर्ज किया है। सड़क सुरक्षा संबंधी करवाए गए एक समागम विच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने शिरकत की।
इस समय पुलिस प्रशासन भी मौजूद सी। सड़क सुरक्षा से दिए गए अपने संबोधन दौरान अदाकार अमिताभ बच्चन ने कहा कि सानू विदेशियों की तर्ज से सड़क से ड्राइविंग करते समय अनुशासन का पालन करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के कानूनों की उलंघना करने नाल बहुत सारिया दुर्घटनावां वापरदियां हन ते कीमती जाना चलिया जांदियां हन। बिग बी ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए मुंबई पुलिस का ब्रांड अंबेसडर बनने की इच्छा जाहिर की। यहाँ आने से पहले मैं अभी नामेंद्र के साथ जो सेंटर है जहां पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस अपनी नजर रखती है प्रत्येक सड़क प्रत्येक गाड़ी के ऊपर मुंबई शहर के अंदर, सारी सुविधा को मैंने देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ। मैं सोचता था कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे यंत्र को असेंबल किया, उसको बनाया और कितनी जीवनता से अब वो हर एक इंसान जो कि गलती कर रहा है या कोई गाड़ी जो गलती कर रही है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, ये मुझे इसके ज्ञान बिल्कुल नहीं था और आज मुझे उसका ज्ञान हुआ। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और आप सबको बहुत बहुत। इस दिन आ रही अजीत खबरों का यह बुलेटिन इतने खत्म होता है। नवीं ताज़ा तरीन खबर लैके फिर तो हाजिर होवांगी। तद तक लिए दियो इजाजत, सत श्री अकाल।